असलम स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है दैट इज़ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ़ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जिसमें देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कैसे हो रही है इसके कंटेंट में सबसे पहले हम देखेंगे फर्मेंटेशन सिस्टम क्या होता है और इसकी टाइप्स देखेंगे दैन देखेंगे कि मैक्सिमाइजिंग एफिशियसी ऑफ़ फर्मेंटेशन सिस्टम के फर्मेंटेशन प्रोसेस जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है उनकी एफिशेंसी को कैसे मैक्माइज़ किया जा सकता है दैन बायोरिएक्टि देखेंगे दैन प्रोडक्ट हारवेस्टिंग एट द एंड हम देखेंगे कि प्योरिफिकेशन और अल्ट्रा प्योरीफिकेशन कैसे की जाती है जो प्रोडक्ट हम हारवेस्ट कर रहे होते हैं स्टार्ट करते हैं हमें फर्मेंटेशन सिस्टम थ्री टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन सिस्टम आर प्रेजेंट फर्स्ट वन इज बैच फर्मेंटेशन सेकेंड वन इज फैट बैच फर्मेंटेशन द लास्ट वन इज़ कंटिन्यूस फर्मेंटेशन सो हम uh, इनकी तरफ मूव करने से पहले हम देखेंगे कि फर्मेंटेशन है क्या फर्मेंटेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है टेश मेटामोलिक प्रोसेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेजम माइक्रो ऑर्जम का मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं माइक्रो ऑर्ग्निज्म जो आर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह इनको तोड़ते हैं और शिफ्ट कर देते हैं सिंपलर कम्पाउंड में ठीक है इन और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन सिम्पलर कम्पाउंड में शिफ्ट करते हैं इसके साथ साथ इसकी अनर्जी की प्रोडक्शन करवाते हैं ठीक है और इसके साथ बाई प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और इन्हीं की वजह से तो हम फर्मेंटेशन वगैरह करवा रहे थे लार्ज स्केल पर अल्कोहल और लैक्टिक एसिड लेने के लिए अब फिर रहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन ये सदियों से चलती हुई आ रही है यानी थाउजेंड ऑफ़ ईयर्स अगो ह्यूम यूज फर्मेंटेशन फॉर मेकिंग फूड बेवरेज़ और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल केमिकल बनाने के लिए इस्तेमाल होती रही है इसके अलावा फर्मेंटेशन को बायोफ्यूल एंटीबायोटिक वाइटामिन फार्मास्यूटिकल केमिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कुछ इस तरह वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि वैसे तो बहुत कॉस्टली होती हैं लेकिन फर्मेंटेशन के थ्रू क्या है उन्हें कॉस्ट इफेक्टिवली भी बनाया जा सकता है अगर फर्मेंटेशन के थ्रू वही प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करवाई जाएँ तो और इसके बाद जो फूड वगैरह का फ्लेवर अरोमा टेस्ट वगैरह को इनहेंस करने के लिए भी फर्मेंटेशन करवाई जाती है और फिर फर्मेंटेशन प्रोसेस को अंडरस्टैंड और ऑप्टिमाइज़ इसलिए किया जाता है ताकि फर्मेंटेशन जो प्रोडक्ट होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो और फर्मेंटेशन की जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी वो ज़्यादा हो जाए और फिर जो वेस्ट बनता है वो कम से कम वेस्ट बने ठीक है रिड्यूस वेस्ट अमाउंट और डिवेल्प न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू प्रोडक्ट्स को भी डिवेल्प किया जाता है अब स्टार्ट करते हैं फरम बैच फर्मेंटेशन बैच फर्मेंटेशन में इस तरह होता है कि एक जिस तरह प्रेशर कुकर होता है उसमें आप सारी चीज़ें क्या करते हो शुरू में ही ऐड कर देते हो फिर बंद करते हो ऐट द एंड जब कंप्लीट हो जाता है साइकिल उसका तब उसको ओपन करते हो और उसमें से चीज़ें फिर पेड़ जाती हैं सेम ऐसे ही बैच फर्मेंटेशन है इसमें क्या होता है फिक्स्ड अमाउंट आप किसकी माइक्रो ऑर्गनिज्म और न्यूट्रिएंट्स एम और एंड ठीक है एम और एन मैं यूज करूँगा माइक्रोब्स के लिए एम और न्यूट्रंस के लिए एन ठीक है माइक्रोब्स और न्यूट्रंस की शुरू में ही फिक्स अमाउंट आप इसमें ऐड कर देते हो उसे ऐड करने के बाद इसे बंद कर देते हो फिर प्रोसेस कर देते रन कर देते हो इसको ठीक है बायोफारमेंटर के अंदर फिर जैसे कंप्लीट होता है फिर उसको क्या करते हैं बायोफारमेंटर के अंदर ऐड करते हो ना तो फिर जैसे कंप्लीट कंप्लीट होता है तब तक इसे ओपन नहीं कर सकते आप इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना ठीक है उसको क्या कहते हैं क्लोज रखते हैं अनटिल कंप्लीशन जैसे कम्प्लीशन हो जाएगी फिर इसमें से ये ब्रॉड ठीक है जिसमें आपकी प्रोडक्ट होगी वो एक्सेकट करेंगे उसे डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के थ्रू उसकी जो अल्ट्रा प्योरीफिकेशन और प्योरिफिकेशन होगी वो करवा लेंगे हम अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं हम सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ बैच फर्मेंटेशन सबसे पहले ये इजी और सिंपल टू ऑपरेट होता है क्योंकि ये साइज ये प्रेशर कुकर एक तरह बिल्कुल सिंपल सा होता है ठीक है एज़ कम्पेयर टू बैफेड बैच एंड कंटिन्यूस और सेकेंड वन इसका कहता है कि कॉस्ट इफेक्टिव है कॉस्ट इफेक्टिव है फॉर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन लेकिन ये लार्ज स्केल के लिए बिल्कुल भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है जैसे सर्च परपज के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर ये बैच फर्मेंटेशन गुड है इसके अलावा ग्रेटर कंट्रोल है क्योंकि ये सिंपल है तो सिंपल और इजी टू ऑपरेट है तो मीन इसका इजीली आप इसको कंट्रोल कर सकते हो और, और फिर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है जैसे वाइन बियर चीज़ एंड फार्मास्यूटिकल्स जो केमिकल्स होते हैं वो बनाने के लिए अब इसके कुछ आते हैं डिसएडवांटेजेस सबसे ज़्यादा जो डिसएडवांटेज सबसे मेजर है दैट इज ये अमाउंट इसकी कम यील्ड देता है ये ठीक है इसकी यील्ड कम लोअर प्रोडक्ट देता जिसे है जिसे यील्ड कहते हैं एज कम्पेयर टू फेड बैच और कंटिन्यूस क्योंकि इसमें जो लॉग फेस होती है ना ये वाली लॉग फेस ये वाली लॉग फेस जो होती है ठीक है फिर ये स्टेशनरी ये क्या है द, that face. ये लॉग फेस कंपेरिटिवली फेड बैच और कंटिन्यूस क्या होती है शॉट होती है और यही तो मोस्टली इस या प्रोडक्शन यहाँ पर ज़्यादा जो प्रोडक्शन होती है प्राइमरी प्रोडक्शन जो हो रही होती है वो यहाँ से होती है ठीक है और स्टेशनरी बेज सेकेंडरी हो रही होती है तो इससे हम ज़्यादा प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक एसड या अल्कोहल वगैरह हमने बियर वगैरह जो लेनी होती है तो वो यहाँ से लेनी होती है तो इस प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती कंपेरटिवली लो होती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स वन और सेकेंड वन के रिक्वायर मोर लेबर और टाइम वो किस लिए इसकी मोनीटरिंग और कंट्रोल के लिए कैसे कि जैसे ये एक बैच फर्मेंटर है ना तो इसमें अगर आपने पहले वाइन uh, का बैच रन किया था वाइन प्रिपेयर की थी ठीक है इस बैच में अब क्या कर रहे हो कि आपने वो वाइन निकाल ली है आप चाह रहे हो कि अब इसमें चीज की प्रोडक्शन करवाओ तो चीज़ की प्रोडक्शन के लिए आप डेफिनेटली न्यूट्रिएंट्स और माइक्रोब्स ऐड करने हैं तो वो दोनों अलग होते हैं इसके लिए चीज के लिए ठीक है तो फिर क्या करते हो कि इसकी सफाई करनी पड़ती है इसको एक तो क्लीनिंग फिर उसके बाद स्टेलाइजिंग करनी पड़ती है तो अगर प्रॉपरली स्टेलाइज नहीं ना होगा तो फिर क्या होगी कंटेमिनेशन तो इसलिए इसमें क्या है प्रॉन् टू कंटेमिनेशन है ठीक है ये कन, फिर जिसके अगर कंटेमिनेशन आ जाएगी तो जो चीज़ बनेगी वो इनकन्सिस्टेंट उसकी क्या हो जाएगी प्रोडक्ट क्वालिटी होगी अब नेक्स्ट आता है फैट बैच फर्मेंटेशन फैट बैच फर्मेंटेशन क्या होता है कि इसमें ना शुरू में ना जितने माइक्रोब्स ऐड करने है न, कर हैं ना वो शुरू में ही ऐड कर देते हैं उसके बाद माइक्रोब्स नहीं ऐड कर सकते पहले वाले में माइक्रोब्स और न्यूट्रं दोनों ऐड शुरू में कर देते हैं लेकिन इसमें क्या है न्यूट्रंस भी ऐड होते हैं लेकिन एक अमाउंट हास अमाउंट में ऐड होते हैं और माइक्रोब्स uh, भी अब इसमें क्या करते हैं फिक्स अमाउंट ऑफ माइक्रोब्स ऐड हो गए ठीक है उसके बाद क्या करते हैं हम फिक्स अमाउंट ऑफ नाइट्रो माइक्रोब्स दैन न्यूट्रंस आर एडिड प्रियोडिकली शुरू में भी होते हैं और लेकिन प्रियोडिकली भी न्यूट्रंस के ऐड कर रहे होते हैं इसमें सेंसर लगे होते हैं बताता है कि ये अब न्यूट्रंस का लेवल लो हो गया तो हम ऐड कर दें जिसकी वजह से क्योंकि जैसे मैं बताया था कि ये जो लॉग फेज होता है लॉग फेज से स्टेशनरी फेज जाने की वजह ही सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं न्यूट्रेंट्स होते हैं तो अगर न्यूट्रेंट्स ही हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गए प्रोडक्ट मिलती है तो इसकी जो लॉग फेज है बहुत लेंथी हो जाएगी ठीक है और एट द एंड स्टेशनरी की तरफ जाना ही पड़ता है इसे क्योंकि इसकी जो बाई प्रोडक्ट्स होती हैं वो टॉक्सिसिटी काज कर देती हैं जिसके वजह से वो स्टेशनरी फेज फिर क्या है अल्टीमेटली डेथ फेज की तरफ चला जाता है तो इसमें अब फिक्स अमाउंट हम माइक्रो ऑर्गेजम और न्यूट्रेंट्स को ऐड करते हैं किस में बायो रिएक्टर्स के अंदर और फिर जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसमें प्रोडक्ट हम ले लेते हैं अब इसमें जो इसकी फर्मेंटेशन होता है कंपैरेटिवली प्रोलॉन्ग है ये मैंने बता दिया अब क्यों लॉन्ग है ठीक है कंपैरेटिवली प्रोलॉन्ग फर्मेंटेशन है क्योंकि इसमें लॉन्ग फेज लेंथी हो जाएगा और फर्मेंटेशन का ओवरऑल क्या हो जाएगा प्रोसेस लेंथी हो जाएगा अब आए इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस की तरफ एडवांटेजेस में सबसे जो सबसे पहला एडवांटेज की जो यील्ड होती है कम्पेरेटिवली ज़्यादा होती है ठीक है उसकी लोअर यील्ड थी ना सबसे इसकी यील्ड क्या है कम्पेरेटिवली बैच से ज़्यादा है सेकेंड वन ये इजी टू कंट्रोल है क्योंकि आप इसके फर्म सेंसर लगे हुए हैं ठीक है तो वो बता देते हैं कि आप, आप न्यूट्रेंट्स वगैरह ऐड कर दो थर्ड वन के वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जैसे कि अमाइनो एसिड्स अमायनोसिड्स अमाइनो एसिड्स जो कि हम बाहर से लेते हैं सप्लीमेंट्स के तौर पर या खाने में तो वो उनकी प्रोडक्शन माइक्रो माइक्रोआर्गनिज्म से हम करवा रहे होते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर देन फाइड बाइट फर्मेंटेशन का सिस्टम यूज़ करते हैं देन uh, और एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं आप <coughs> आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ सबसे मेजर डिसएडवांटेज है क्योंकि इसमें सेंसर वगैरह लगे तो मीन कम्प्लैक्स और स्पेशलाइज्ड है ये स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होता है स्पेशलाइज्ड है तो मीन ये कॉस्टली भी है और कॉस्टली सेकेंड वन कॉस्टली ऐड कर दे फिर थर्ड वन आप कह देंगे रिक्वायर्स मोर कम्प्लेक्स क्या है मोनीटरिंग क्योंकि इसमें आप सेंसर वगैरह लगे होते हैं इसकी मोनीटरिंग कम्पे कम्पलेक्स होती है एज़ कम्पेयर टू द बैच वन ठीक है और देन आता है प्रॉन टू आ, ये भी क्या है इसमें भी कंटेमिनेशन के होने के चांस है क्योंकि इसमें ये आ, इसमें आप माइक्रोब्स तो नहीं ऐड करते लेकिन न्यूट्रंस आप क्या है पेराडिकली ऐड कर होते हैं बाहर से ये न्यूट्रेंट है ना ये पेडिकली आप ऐड कर रहे हैं। तो न्यूट्रंस जब बाहर से ऐड कर रहे हो तो इसमें न्यूट्रेंट इस के साथ माइक्रोब्स के मिल जाने के चांस होता है ठीक है तो ये क्या होता है इसमें फिर क्या ये कंटेमिनेशन होने के चांस होते हैं को एरियल कोई एयर में पाए जाने वाला माइक्रोब न्यूट्रंट के साथ मिलकर ऐड हो जाए जो कि सबसेड भी कह रहे हैं उसे ठीक है उसके साथ ऐड हो जाए तो वो क्या कर देगा कंटेमिनेशन जिसकी वजह से एक अलग सा टेस्ट हो जाएगा जो ए, रेगुलर टेस्ट आ रहा था ना प्रोडक्ट का वो टेस्ट नहीं आएगा ठीक है वो क्वालिटी नहीं रहेगी प्रोडक्ट की अब लास्ट वन रहता है कॉन्टीन फर्मेंटेशन तो कॉन्टीनस फर्मेंटेशन में क्या होता है कि इसमें ये इसका बायो फर्मेंटर है इसमें शुरू में ही ना आप माइक्रोब्स और न्यूट्रेंट्स एक खास अमाउंट में आप ऐड कर देते हो ठीक है और उस खास अमाउंट को मेनटेन रखना होता है कैसे क्या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फिफ्टी ग्राम आपने ऐड कर दिए शुरू में ही या अब फाइव किलो ग्राम कर दें जी ये मेजर ये इसका साइज कंपरेटली बड़ा होता है फाइव किलोग्राम आपने ऐड कर दिया ये माइक्रोब्स और 50 फाइव हंड्रेड जो के आपने ऐड कर दिए क्या फूड ठीक है ये न्यूट्रेंट्स ऐड कर दिए तो आपने इसको मेंटेन रखना होता है कैसे फिर यहाँ से कॉन्स्टेंटली क्या करने करते हैं माइक्रोब्स भी देने होते हैं और कॉन्स्टेंटली सप्लाई देती है माइक्रोब्स की और न्यूट्रेंट्स की क्यों क्योंकि ऐड करते जाएंगे करते जाएंगे तो ये तो फिल हो जाएगा ठीक है कांस्टेंट सप्लाई देते रहते हैं न्यूट्रिएंट्स माइक्रोब्स की किसको बायो फर्मेंटर की तो जैसे ऐड करते जाए ना तो नीचे जैसे ये रिएक्शन हो रहा होता है माइक्रोब न्यूट्रेंट को इस्तेमाल करते हैं तो कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं हमारे जो फायदे के लिए हमें चाहिए होती है तो वो प्रोडक्ट को हम साथ साथ ही कॉन्टीन्यूसली क्या कर रहे होते हैं एक्सट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं जिसे हार्वेस्टिंग कहते हैं तो जो फर्मेंटेशन के थ्रू जो प्रोडक्ट बनेगी ना उसे कॉन्टीन्यूसली क्या कर रहे हैं हार्वेस्टिंग भी इसकी कर रहे होते हैं साथ साथ ठीक है इसमें कॉन्स्टेंट सप्लाई आप न्यूट्रेंट माइक्रोब तो रखते ही रखते हैं साथ साथ या क्या है प्रोडक्ट भी हार्वेस्ट कर रहे होते हैं यहाँ से जितने जैसे यहाँ से ऐड हो रहे हैं वहाँ से ये रिमूव हो रहे हैं इसमें रेट ऑफ जो न्यूट्रेंट सप्लाई है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है रेट ऑफ प्रोडक्ट हार्वेस्ट के जिसकी वजह से एक बैलेंस मेंटेन रहता है अब आते हैं एडवांटेज और डिसएडवानटेज की तरफ सबसे मेजर एडवांटेज होगा इसकी चीड्स कंपैरेटिवली क्या होगी सबसे ज़्यादा होगी बैच और फेड बैच की नस्बत सेकंड वन क्या है कि ये लेबर इसके लिए ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑटोमेटेड होता है ज़्यादा मैनुअली काम नहीं होता इसमें। है इस पर ठीक है मोनीटर कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा लेबर नहीं रिक्वायर्ड इसके लिए वर्किंग नहीं होती और फिर कुछ ऐसी फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स होती हैं वो तब ही बनती है जब फर्मेंटेशन का जो पीरियड है ना वो प्रोलॉन्ग हो तो वो प्रोलॉन्ग जो फर्मेंटेशन है वो ज़्यादातर वो सबसे ज़्यादा प्रोलॉन्ग वो कॉन्टीन्यूसली हो में होता है ठीक है तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो तब ही बनती हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल एंजाइम्स हो गए या कुछ एंटीबायोटिक्स ठीक है वो कॉन्टीन्यूस फर्मेंटेशन में ही बनती हैं और लेकिन अब इसके डिसडवान्टेज है कि ये, ये, ये फीडबैक की तरह स्पेशलाइज है बल्कि उससे भी ज़्यादा स्पेशलाइज है इसमें ज़्यादा सेंसर्स लगे होते हैं स्पेशलाइज है तो मेन ये क्या है कॉस्टली भी है सेकेंड वन अब रिक्वायर्स मोर फ्रिक्वेंट क्लिनिंग एंड मेंटेनेंस वो कैसे कि ये एक रिएक्टर रे, है बायो बायो रिएक्टर ठीक है इसमें आपने पहले वही उसी तरह जिस तरह फैट बैच करता पहले आपने एन्जाइम ऐड किए फिर आपने क्या कर दिए एंटीबायोटिक ऐड कर दिए ठीक है अब एन्ज़ाइम ऐड किया फिर एंटीबायोटिक पहले एंजाइम के लिए यहाँ पर प्रोडक्शन करवाइए आपने ठीक है उसके बाद आप चाह रहे हो कि ये आ, आप कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन कराओ किसकी एंटीबायोटिक की तो उसमें क्या होगा फिर कि आप एंटीबायोटिक करवाने तो पहले इसको आपको अच्छी तरह वॉश करना पड़ेगा क्लीनिंग करने करेगी इस मेंटेनेंस करनी पड़ेगी तो इन केस अगर कोई भी कहीं पर भी कोई माइक्रोव बच गया जो इंजाम बनाने के लिए यूज़ हुए थे ठीक है एंटीबायोटिक बनाने के लिए माइक्रोव अलग होंगे तो कोई बच गया तो वो क्या करेगा तो वो इसको क्या कर कंटेमिनेट कर देगा जिसकी वजह से ये कंटेमिनेशन के चांस इसमें ज़्यादा होते हैं और सेकेंड वन इसमें क्यों होते हैं कि इसमें कॉन्स्टेंटली हम बाहर से माइक्रो ऑर्गेजम्स ऐड कर रहे होते हैं माइक्रो ऑर्गेजम भी ऐड कर रहे होते हैं और न्यूट्रंट्स uh, भी ऐड कर रहे होते हैं ठीक है इस वजह से कॉन्सटेंटली होता है ना इसमें कॉन्टीन्यूस में ठीक है माइक्रो और न्यूट्रंस दोनों ऐड कर रहे होते हैं इस वजह से इसमें भी क्या कंटामिनेशन के चांस क्या होते हैं कंपेरेटिवली ज़्यादा होते हैं और लास्ट वन हमने देखे देख लिया जैसे कि ये मोस्ट मोर कॉस्टली है ठीक है अब आप बताएँ कंपेरिजन इसके पिक्टोरियल uh, इसमें देखें शुरू में ही हम न्यूट्रेंट्स ऐड करते हैं इसमें शुरू में ही न्यूट्रं ऐड करते हैं और साथ में माइक्रो आटम शुरू में ही ऐड हो जाते हैं यहाँ पर और फिर जैसे ही खत्म होगा फिर उसके बाद यहाँ से प्रोडक्ट हार्वेस्टिंग कर लेते हैं ख़त्म होने के बाद इसमें शुरू में ही हम माइक्रोब्स ऐड कर लेते हैं और शुरू में ही न्यूट्रेंट लेकिन फिर क्या है को एक उनकी सप्लाई को मैंटेन रखा जाता है ठीक है एक उनकी सप्लाई को एक मैंटेन रखा जाता है यहाँ पर एप्रियोडिकली एड करते रहते हैं ताकि एक सप्लाई न्यूट्रेंट की सप्लाई क्या है मेनटेन रहे और फिर जैसे ही कम्प्लीट होगा कम्प्लीट होने के बाद ही प्रोडक्ट ले सकते हैं यहाँ से ठीक है कम्प्लीट एड द एंड इसमें क्या होता है कि इसमें न्यूट्रेंट्स भी आप देते हो और माइक्रोब्स भी देते हो इवन था लेकिन इसमें क्या होता है साथ में न्यूट्रेंट और माइक्रोब्स कॉन्स्टेंटली आप ऐड कर रहे हो जैसे ऐड हो रहे है तो इनके जो न्यूट्रिएंट्स के साथ माइक्रोब्स रिएक्ट कर रहे जो यूज़ करके प्रोडक्ट कोई ना कोई तो बना रहे होते हैं ना उस प्रोडक्ट को कॉन्सटेंटली आप हार्वेस्ट भी कर रहे होते हो ठीक है उस प्रोडक्ट को ले भी रहे होते हैं कॉन्टीन्यूस प्रोसेस में अब ये आ, ग्राफिकल आ जाता है कंपैरिजन ठीक है इसमें क्या होता है कि इसमें शुरू में क्या किया था शुरू में देखे तो माइक्रोब्स थोड़े से ऐड किए थे और सबस्ट्रेट ज़्यादा ऐड किए थे बैच में तो विद द पैसेज ऑफ टाइम माइक्रोब्स ने सबस्ट्रेट को यूज़ करना शुरू यूज कर दिया तो माइक्रोब्स का नंबर क्या हो गए बढ़ते गए ये लॉग फेज आ गया मैंने जैसे बताया लॉग फेज में क्या है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं जैसे अल्कोहल लैक्टिक एसिड वगैरह ठीक है ये लॉग फेज में बनते हैं तो ये क्या है न्यूट्रंस की सप्लाई कम होते गए न्यूट्रंस कम होते जाएंगे तो फिर ये अल्टीमेटली क्या होगा न्यूट्रंस के लिए फ़ाइट करना पड़ेगा फिर ये स्टेशनरी फेज़ की तरफ चले जाएंगे स्टेशनरी से फिर अल्टीमेटली डेथ फेज की तरफ अब सेकंड वन इज अ बैच फर्मेंटेशन अब स्टेशनरी फेज जो होता है ना इस पर सेकेंडरी मेटाब्लाइट्स बनते हैं स्टेशनरी फेज इसमें सेकेंडरी मेटाब्लाइट जिसमें एंटीबायोटिक्स और इन्जाइम्स वगैरह होते हैं अब फैट बैच में क्या होता है कि आपने शुरू में न्यूट्रेंट्स भी ऐड किए हैं ये देखें न्यूट्रेंट्स भी ऐड है और माइक्रोब्स भी तो माइक्रोब्स के जैसे नंबर बढ़ते हैं ना तो न्यूट्रन्स का लेवल थोड़ा सा कम होता है तो उसी वक्त सेंसर बता देता है कि आपको न्यूट्रंस बाहर से ऐड करने की जरूरत पड़ती है इसीलिए फिर क्या कहते हैं प्रेडिकली जहाँ पर जैसे ही न्यूट्रंस का लेवल कम होता है ना तो बाहर से क्या कहते हैं न्यूट्रन्स प्रयाडिकली ऐड होते रहते हैं यहाँ पर न्यूट्रंस को प्रयाडिकली जिसकी वजह से एक लेवल मेंटेन रखा जाता है और इसी वजह से इसका जो लॉन्ग फेज होता है ना कम्पेरेटिवली ज़्यादा लॉन्ग होता है ठीक है ज़्यादा लॉन्ग है लॉन्ग फेज इसका कम्पेरेटिवली एज़ कंपेयर टू बैच और ज़्यादा प्रोडक्ट इसीलिए दे रहा होता है अब बातें हैं कॉन्टीन्यूस की तरफ इसमें यह होता है कि आप ए, एक बैलेंस रखा होता है एक जो माइक्रोब्स जो सब का भी बैलेंस रखते हो जो जिसे कहते हैं न्यूट्रिएंट्स और सेकंड वन सेल्स जिसे कहते हैं माइक्रोब्स इन दोनों का एक बैलेंस रखते हो एक कॉन्स्टेंट सप्लाई भी दे रहे होते हैं और, और प्रोडक्ट हारवेस्टिंग के साथ प्रोडक्ट के साथ साथ वो निकल भी रहा होता है अब इसमें आप इसको जिस चाहे फेज में रख सकते हो लॉन्ग फेज में रखना चाहे तो ये ओवरऑल सबसे लॉन्गेस्ट लॉन्ग फेज में रख सकते हो ठीक है क्योंकि ये सब इससे लॉन्ग फेज में रखना चाहो या स्टेशनरी फेज में जिसमें मर्जी रखना चाहे ठीक है उससे प्रोडक्शन करवा सकते हो आप दिस वॉज देन थैंक यू सो मच